गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल बागपत, स्टैंडर्ड 9th, सब्जेक्ट SST, यूनिट ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 3rd, द ड्रेनेज। लास्ट वीडियो में हम स्टडी कर रहे थे पेनिनसुला रिवर के बारे में। आगे अब चलते हैं द गोदावरी बेसिन। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर। पेनिनसुलर की सबसे लंबी नदियों में से एक है गोदावरी नदी। इट राइजेस फ्रॉम द स्लॉप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। गोदावरी नदी की जो उत्पत्ति हुई है ये वेस्टर्न घाट से हुई है नासिक डिस्ट्रिक्ट में, और ये है महाराष्ट्र के अंदर। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है। इट ड्रेन्स इन टू द बे ऑफ बंगाल। गोदावरी नदी बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। इट ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर। इस नदी का जो ड्रेनेज बेसिन है वो पेनिनसुलर में जितनी भी नदियाँ हैं उनमें सबसे बड़ा है। द बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। गोदावरी नदी के बेसिन में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये सभी राज्य शामिल हैं, और महाराष्ट्र में लगभग 50% जो बेसिन है वो गोदावरी का है। द गोदावरी इज जॉइन बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। गोदावरी नदी के साथ बहुत सारी सहायक नदियाँ आकर जुड़ती हैं, सच एज द प्यूमा, द वर्धा, द प्रणहिता, द मांजरा, द वेनगंगा एंड द पेनगंगा। द लास्ट थ्री ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज एंड एक्सटेंट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। गोदावरी की जो बाद की तीन सहायक नदियाँ यहाँ पर बताई गई हैं वो काफ़ी बड़ी हैं। बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, गोदावरी नदी का साइज काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। द महानदी रिवर बेसिन। द महानदी राइसेस इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। महानदी छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से निकलती है। इट फ्लोस थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। महानदी उड़ीसा से होकर बहती है और बे ऑफ बंगाल तक जाती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज़ अबाउट 860 किलोमीटर। महानदी की जो लंबाई है वो लगभग 860 किलोमीटर है। इट ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। महानदी का जो ड्रेनेज बेसिन है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। द कृष्णा बेसिन। द रिवर राइसेस नियर महाबलेश्वर इन द वेस्टर्न घाट। कृष्णा नदी की जो उत्पत्ति हुई है वो महाबलेश्वर के पास से हुई है और ये वेस्टर्न घाट में है। कृष्णा फ्लो फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेस द बे ऑफ बंगाल। कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर का रास्ता तय करती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। द तुंगभद्रा, द कोयना, द घटप्रभा, द मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो इस नदी में जो दूसरी सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं उनमें हैं तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी, भीमा। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी का जो ड्रेनेज बेसिन है उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल हैं। द कावेरी बेसिन। द कावेरी राइसेस इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। कावेरी नदी की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मगिरी रेंज में हुई है और ये वेस्टर्न घाट में है। एंड इट रीचेस द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कुडलोर इन तमिलनाडु। कावेरी नदी बे ऑफ बंगाल तक बहती है और बे ऑफ बंगाल में जिस जगह तक ये नदी बहती है वो कुडलोर नाम की जगह है तमिलनाडु में। टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज़ अबाउट 760 किलोमीटर। कावेरी नदी की जो कुल लंबाई है वो 760 किलोमीटर है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भावनी, हेमावती एंड काम्बली। कावेरी नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो हैं अमरावती,
भावनी, हेमावती और काबिनी। इट बेसिन ड्रेन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कावेरी नदी के ड्रेनेज बेसिन में जो हिस्सा आता है वो कुछ कर्नाटका का है, केरला का है और तमिलनाडु का है। बिसाइड दिस मेजर रिवर्स देर आर सम स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड द ईस्ट। इन सब मुख्य नदियों के अलावा और भी बहुत सारी छोटी मोटी नदियाँ हैं जो ईस्ट की तरफ को बहती हैं। द दामोदर, द ब्राह्मणी, द बेतरणी एंड सुबर्णेखा आर सम नोटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पर कुछ और नदियों के एग्जाम्पल भी दी गई हैं। लेक्स, झीलों के बारे में बात करेंगे। ए लेक इज द डिप्रेशन फिल्ड विथ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस एंड इज एंटायरली सराउंडेड बाई लैंड। तो झीलें क्या हैं? जमीन का एक विशाल गड्ढा है जो पानी से भर जाता है और इस भरे हुए पानी के गड्ढे के चारों तरफ जमीन होती है। इंडिया हैज मैनी लेक्स, भारत में बहुत सारी झीलें हैं। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक। ये झीलें एक दूसरे से आकार में और दूसरी विशेषताओं में भिन्न होती हैं। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, ज़्यादातर जो झीलें हैं वो परमानेंट हैं। सम कंटेन्स वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। वहीं कुछ झीलें ऐसी हैं जिनमें जो पानी है वो बरसात के मौसम में ही आता है। लाइक द लेक्स इन द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन। जो सेमी एरिड रीजन में पाए जाने वाले लेक्स हैं वो कुछ ऐसी ही झीलें हैं जिनमें बरसात के समय पानी आता है। देर आर सम ऑफ द लेक्स विच आर रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर। कुछ झीलें ऐसी भी हैं जो ग्लेशियर की वजह से बनती हैं। वाइल अदर हैव बीन फॉर्म्ड बाई विंड। कुछ झीलें ऐसी हैं जो विंड से, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा बनती हैं। फॉलोइंग आर द मेजर टाइप्स ऑफ लेक्स इन इंडिया। तो भारत में जो तरह तरह की झीलें पाई जाती हैं उनके बारे में। ओएक्स बो लेक, ए मियांड्रिंग रिवर अक्रॉस ए फ्लड प्लेन, फॉर्म्स कट ऑफ दैट लेटर डेवलप इनटू ओएक्स बो लेक। स्पिट्स एंड बार फॉर्म लैगून इन द कोस्टल एरिया, एग्जाम्पल द चिल्का लेक, द पुलिकट लेक, द कोलेरू लेक। एक मियांड्रिंग रिवर, खासतौर से फ्लड प्लेन में जब नदी बहती है तो यहाँ पर उस नदी में बहुत सारे मोड़ आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख रहे हैं, एक नदी है इसमें काफ़ी ज़्यादा मोड़ आए हुए हैं। फॉर्म्स कट ऑफ लेटर डैट डेवलप इनटू ओएक्स बो लेक। तो ये जो कर्व यहाँ पर बनते हैं, ये कर्व समय के साथ साथ इस नदी से कट के अलग हो जाते हैं और बाद में यही हिस्सा ओएक्स बो लेक का रूप ले लेता है। इसके अलावा बहुत सारी लैगून्स हैं जो कोस्टल एरिया में, समुद्री इलाके में बनती है, ये भी आगे चल के नदी झील का रूप ले लेती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है चिल्का लेक, पुलिकट लेक और कोलेरू लेक। इनलैंड ड्रेनेज लेक्स, लेक इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। कुछ झीलें ऐसी हैं जो इनलैंड ड्रेनेज में पाई जाती हैं और ये ज़्यादातर मौसमी झीलें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल द सांबर लेक इन राजस्थान। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी है, राजस्थान में एक झील है जिसका नाम है सांभर, विच इज़ द ए सॉल्ट वाटर लेक। ये जो झील है ये खारे पानी की झील है। इट्स वाटर इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। सांभर लेक के पानी का इस्तेमाल नमक बनाने में किया जाता है। फ्रेश वाटर लेक्स, मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। भारत में ज़्यादातर साफ पानी की जो झीलें हैं वो हिमालय रीजन में हैं। दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन। इन झीलों का जो निर्माण हुआ है वो ग्लेशियर से हुआ है। इन अदर वर्ड्स, दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर डग आउट ए बेसिन विच वॉज लेटर फिल्ड विथ स्नोमेल्ट। ये जितनी भी झीलें यहाँ पर बनी हैं वो ज़्यादातर ग्लेशियर की वजह से बनी है और ग्लेशियर की वजह से जो यहाँ पर गड्ढा बनता है वो बाद में बर्फ के पिघलने से जो पानी बनता है उससे भर जाता है। द वुलर लेक इन जम्मू कश्मीर इन कॉन्ट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी। जम्मू कश्मीर में एक झील पाई जाती है जिसका नाम है वुलर लेक। ये वुलर लेक टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ी जो फ्रेश
फ्रेश वाटर की झील है वो वुलर लेक है। द डल लेक, द भीमताल, नैनीताल, लोकतक, बारापानी आर सम अदर इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। वुलर के अलावा और भी बहुत सारी फ्रेश वाटर की झीलें हैं जो भारत में पाई जाती हैं, उनमें डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकतक और बारापानी मुख्य झीलें हैं। मैन मेड लेक, अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक, द डैमिंग ऑफ द रिवर फॉर जनरेशन ऑफ हाइडल पावर ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक सच एस गोविंद सागर एंड बल्लभपंत सागर। तो ये जो कुदरती झीलें हैं इसके अलावा कुछ और भी झीलें होती हैं जो इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं, ख़ास तौर से जब डैम बनता है जिसके मदद से हाइडल पावर का जनरेट किया जाता है तो वहाँ पर भी झीलें बनती हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दी हैं जैसे गोविंद सागर है और बल्लभपंत सागर है। वी विल डिस्कस द चैप्टर फर्दर इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। टिल देन स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।